कायराना हरकत पर बात करने के लिए जिसने भी की है हमारे साथ विधायक विशाल नहरिया जी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, वाकई में एक ऐसी हरकत जिसकी सभी निंदा कर रहे हैं और ऐसी कायराना हरकत, क्या कहेंगे आप? और इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये जो भी हरकत है वो कायरतापूर्ण है और कायरता का एक परिचय है, क्योंकि रात के अंधेरे में आके किसी भी स्थल पे और एक शांतिपूर्वक प्रदेश में आके ऐसी अशांति फैलाने का प्रयत्न करना निंदनीय है और इसकी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। अभी पूरे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह से भी वहीं पे स्पॉट पे था और हम लोगों ने विभाग के सभी आदेश विभाग अधिकारियों को जो है आदेश जारी किए, प्रशासन वहां पर उपस्थित था और पुलिस की तरफ से भी हम लोग जो हमारे नियर बाय प्लेसेस में सीसीटीवी लगे हैं वहां की फुटेज हम लोग ले रहे हैं और प्रीवियस टाइम को भी हम लोग एग्जामिन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये हरकत सोची समझी हो सकता है कि प्रोवोकेशन में की हो सकता है किसी के माध्यम से भी, पर जब तक प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक कहना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन इसकी चल पड़ी है। लेकिन विशाल जी, एक बात ये आ रही है कि जिस जगह पर ये झंडे लगाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमराज ही नहीं लगाए गए, तो ये कमी मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, अभी जहां पर हमारा विधानसभा परिसर है, हिमाचल प्रदेश में दो विधानसभा है, शिमला में है और धर्मशाला में है, ऐसे परिसर में जो हमारा धर्मशाला का उसमें सिर्फ शीतकालीन सत्र लगता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोग यहाँ पर फुली सिक्योरिटी के जो है वो प्रावधान किए जाते हैं। जो हमारा कैंपस है इनसाइड, उस सभी इनसाइड कैंपस को हम लोगों ने सीसीटीवी कवरेज दी हुई है, सीसीटीवी से उसको कवर किया हुआ है, पर आउटसाइड एरिया में ये नहीं था, तो क्योंकि वो वैसे भी शहर से थोड़ा सा हल्का सा कुछ किलोमीटर। विशाल जी देखिए, वो ठीक है, लेकिन एक चीज ये होती है कि कोई कैंपस जो विधानसभा जैसा कैंपस है संसद भवन का, तो उसके तो चारों तरफ हर तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो गर्मी में इस्तेमाल किया जाता हो चाहे सर्दी में इस्तेमाल किया जाता हो, तो एक चूक मानते हैं आप इसको सर? देखिए इस विषय में हम लोगों ने पहले भी बातचीत करी है और हमारे जो है इस पे सारा काम पूरे शहर में चल रहा है, इंक्लूडिंग हमारा जो ये कैंपस है, ये पूरे शहर के क्षेत्र में हम लोगों का जो कैमरा लगाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ये पहले से हम लोग शुरू कर चुके हैं। ड्यू टू कोविड पीरियड जो है बीच में कुछ कार्य जो है हमारे लंबित पड़े थे, पर फिर भी उसको दोबारा से हमने रीस्टार्ट करा है और अभी हमारे कंटिन्यू काम जो है चल रहे हैं। विशाल जी, हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री भी जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष। मुकेश जी, किस तरह से देखते हैं इस घटना को, जो धर्मशाला में विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे और लिखने की बात सामने आई? देखिए, एक तो ये जो घटना है बेहद खेदजनक है और हिमाचल प्रदेश में उस समय भी ऐसी ताकतें जो है अलगाववादी ताकतें सर नहीं उठा पाई जब पंजाब में टेररिज्म पूरे पीक पे था और हम बिल्कुल साथ का राज्य है, लेकिन उस समय भी हमने ऐसी ताकतों को जो है पाँव नहीं रखने दिए और अगर आज जो है ये ऐसा घटनाक्रम हुआ है, सबसे पहले तो हमें एक संदेश देना है कि ऐसी ताकतों को जो है जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा अगर किसी ने हिमाचल की तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की जी। ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, बिल्कुल ये देश की एकता अखंडता का सवाल है जी। ये जो है हम सबको मिलके जो है इनका जवाब देना है और ये विधानसभा जो है हमारा एक मंदिर है, चाहे वो शिमला की विधानसभा हो चाहे यहाँ की विधानसभा हो, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये जो आइसोलेशन में है, ये शहर से दूर है, ये कहीं पे भी हो किसी भी अलगाववादी ताकत की किसी ताकत नहीं हो सकती कि वो हमारे यहाँ पे आके झंडा लगा दे या हमारी दीवारों को पोंछ दे और वहां पे आके खालिस्तान लिख के चला जाए। और जबकि ये पहले से जब कुछ दिन से जो लगातार ये चल रहा है कि हम झंडा लहराएंगे हम ये करेंगे, तो सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह चौकस होना चाहिए। मुकेश जी, मैं आपसे और बात करूंगा आपके इस बात पर कि आपने एक तो ये संदेश दिया कि हम सब एक हैं इस मामले में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हिमाचल में कोई भी हो, और ये हमारे देश की बात है, देश की एकता अखंडता की बात है, लेकिन उस पर आपने सवाल उठाया है कि शहर से दूर है, आइसोलेशन की बात है। विशाल जी, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, देश की अखंडता और एकता की बात तो जब हम मुकेश जी कर रहे हैं, हम लोग भी इस चीज से विश्वास रखते हैं और देश की एकता और अखंडता के ऊपर जब जब कोई बात आएगी तो उसमें हम लोग सभी मिलकर खड़े होंगे। तिरंगे का हम सभी मान सम्मान करते हैं और हम लोग दिन के उजाले में तिरंगे के मान सम्मान के लिए हमेशा हर जगह पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए हम लोग दिन के उजाले में इसे लहराते हैं। अब देखिए कि कायरतापूर्ण जो ये कार्य है वो रात के अंधेरे में किया गया है, ठीक है, ये विषय आपने बताया है, उस पर हम लोगों की सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने पहले से निर्णय लिया कि उस सारे एरिया को हम लोग जो है सिक्योर करेंगे। इन सारे विषयों के ऊपर काम चल रहा है,
हम लोग बहुत जल्दी सारे एरिया, लेकिन अब इस चीज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विशाल जी, आपको भी लगता है कि जो धमकियां, बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले इस तरह की हरकतें कहीं और भी कर सकते हैं ऐसे लोग, इससे पहले भी गंभीरता से लिया है और आगे भी और गंभीरता के साथ हम लोग लेने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी अभी तक पूरा एक इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, अभी बहुत सारे कारण इसके पीछे हम लोगों को आने वाले टाइम में लगने वाले हैं। पता हो सकता है ये खालिस्तानी समर्थकों ने लगाया हो सकता है ये पॉलिटिकल प्रोवोकेटेड भी हो, अच्छा कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोगों को सारी ऐसी हरकत तो कोई राजनीतिक द्वेष में नहीं कर सकता, जहां तक मुझे लगता है अपने ही देश में। देखिए, अभी हाल ही में पंजाब में सरकार जब से बनी है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद आप पंजाब में ये सारी हरकतें आए दिन देख रहे हैं। चलिए, मैं इस पर मुकेश जी का भी रिएक्शन लेता हूं। मुकेश जी, आपको लगता है कि कोई राजनीतिक द्वेष के चलते भी ऐसी हरकत कर गया हो? नहीं, देखो ऐसा है कि ये शरारती तत्वों का काम नहीं है जी। ये जो है एक जो है पर्टिकुलर विचारधारा से त्रस्त और ग्रस्त लोग जो है वो जो है ये कंपेन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिनों से ऐसी धमकियां जो है, जो विदेशों में बैठे हुए जो है लोग हैं, जो खालिस्तान के समर्थक हैं, वो काफी दिनों से ऐसी कंपेन चलाए हुए हैं। ये उस कंपेन का हिस्सा, उस कंपेन का ये हिस्सा है। और हिंदुस्तान की सरकार को भी चाहिए कि जो विदेशों में बैठ के जो है ऐसी कंपेन चलाए हुए हैं, उनको जो है राष्ट्र में वापस ला के बुक किया जाए। हमारी ट्रीटीज हैं उन देशों के साथ जो लगातार जो है MLAs को धमकियां देते हैं, मुख्यमंत्रियों को धमकियां देते हैं, जो कहते हैं कि हम शिमला में आके जो है झंडा लहराएंगे, हम वहां पे विधानसभाओं के बाहर करेंगे, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई देश की सरकार को करना। और अब हमें उम्मीद है कि बहुत सख्ती से इस मामले से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशाल नेहरिया जी आपका शुक्रिया। और ये बहुत ही कायराना पूर्ण हरकत की गई है, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है। और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ट्वीट आया है, उनका बयान आया है कि इस तरह की हरकत कायराना हरकत है और इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री ये कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, कि ऐसे मामले हम सभी के लिए एक हैं और ऐसे चीजों पर सब एक हैं, किसी को भी हिमाचल प्रदेश या देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ट्वीट है। धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है। और लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी भी हुई है, लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इससे पहले भी ऐसी हरकत करने की धमकियां दी गई थीं। हालांकि ऐसे लोग कई बार सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाने वाली कायरतापूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। इस विधानसभा में केवल शीतकालीन सत्र ही होता है, इसलिए यहां अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता उसी दौरान होती है। इसी का फायदा उठाकर यह कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। त्वरित जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, यदि हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सामने आए। मुख्यमंत्री का ट्वीट। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है, उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए, जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी, ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। विपक्ष अब इस मामले को लेकर, इस केस को लेकर सरकार पर हमलावर है। और एक और अहम खबर, धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का बयान, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, पुलिस को
जल्द और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री का बयान आया है, जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे दोषी। एक अहम खबर, मामले पर अभी कुछ और कहना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री की बाइट आई है, उनका बयान आया है, वो सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, FIR दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पिछले कल रात की है, ऐसा बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने और उसके पश्चात जो है वो, क्योंकि विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहाँ पर पुलिस की गार्ड रहती है लेकिन वो अंदर रहती है, कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी CCTV वहाँ पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए, लेकिन जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और ज़्यादा सख्त हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम जो हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे।